हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे में जिनका 16 अक्टूबर के बाद से पेपर है, रेलवे ने उन बच्चों को परेशान कर रखा है। पहले तो अपडेट दी कि वो 13 तारीख को आएगी अपडेट, आप एग्जाम सिटी वगैरह देख सकते हैं, फिर 17 को, फिर 20 को, अब फिर नई डेट आ गई है 24 को। अगर रेलवे को ऐसे ही देना है तो एक डेट दे दे जिससे लड़के बार बार डालकर परेशान न हो। अब बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कैसे आपको डिटेल चेक करनी है, सबसे पहले परीक्षा केंद्र की जानकारी के बारे में वेबसाइट पर जाइए, उसके बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के जो है अपना वो चेक कर सकते हैं। अब देखिए नई अपडेट जो है आई है कि वो 24 तारीख को जो है अपडेट देगा, यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने चेक किया तो ये जो है 24 तारीख को आ रहा है कि अब अपडेट आएगी, फिर 24 तारीख को चेक किया फिर बढ़ा दे भी। ऐसे मतलब अपडेट देना हो तो इसे एक बार दे देना चाहिए, लेकिन फिर बच्चों को परेशान कर रही है, इसे बार बार जो है परेशानी होती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको जो है मॉक टेस्ट के बारे में बताता हूँ कुछ। रेलवे ने जो है जैसे जो बच्चे पहली बार जो है कंप्यूटर पे, वैसे गांव के लड़के हैं जो देना चाह रहे हैं, तो उनको कैसे जो है मॉक टेस्ट देना है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो किसी भी आरआरबी की जो है ऑफिशियल साइट से जाइए, उसके बाद जो है इलाहाबाद की आरआरबी ऑफिशियल साइट पे आ जाइए। आप आने के बाद जो है यहाँ पे जो है नोटिस ऑफ ई कॉल लेटर फॉर सीबीटी जो है लेवल 1 के लिए जो है ये नोटिस है, देखिए डाउनलोड हो रही, नोटिस ओपन होगी। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल पे, जैसे मेरे दोस्त का जो है एग्जाम था 17 सितंबर को एग्जाम था, तो उसका एग्जाम छूट गया एडमिट कार्ड जो है ना जाने डाउनलोड होने की वजह से। तो रेलवे ने जो है बहुत से मेल किए लड़के कि मेरा एग्जाम छूट गया, तो रेलवे ने जो है जिन बच्चों का एग्जाम होगा उनको जो है मेल करके उनका सेंटर वगैरह जो है उनको बता देगी, और उनके मेल पे जो है क्या नाम है ईमेल आईडी भी, मतलब एडमिट कार्ड भी भेज देगी, जिससे वो डाउनलोड कर लेगा सर्वर डाउन हो तो। ये रही है अपडेट। अब चलिए देखते हैं क्या नाम मॉक टेस्ट कैसे मतलब देना, जैसे जो लड़के जो है गांव के लड़के हैं, अगर मान लीजिए पहली बार जो है कंप्यूटर पे पेपर देना है तो वो खुद पहले पेपर दे लें, इसलिए ऐसा मॉक टेस्ट का जो है लिंक दिया है रेलवे ने, ताकि वो पहले से जो है इंटरफेस देख लें कैसे कैसे होता है, क्या नाम कैसे क्या करना होता है, बिल्कुल इसी तरह का दिख जाएगा आपको सेव। और उसके बाद आपको यहां से साइन इन करना है अपना आईडी पासवर्ड डाल के, वो आईडी पासवर्ड आपको वहां पे सेंटर पे दिया जाएगा। उसके बाद यहां पे आपको जो है इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, मैं हिंदी में देना चाहता हूं, ये इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मैं हिंदी करता हूँ, यहाँ पे टिक जो है लगा कर आई एम ऑलरेडी टू बिगिन उसके बाद करके जो है आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने आपका पेपर आ जाएगा बिल्कुल इसी तरह का, बिल्कुल यही बिल्कुल स्क्रीन रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही जो है आप पेपर जो है अपना दे सकते हैं। यहाँ से आप डेस्कटॉप साइड कर लीजिए, मोबाइल में देना चाहते हैं कंप्यूटर के इंटरफेस जैसा, तो आप यहाँ से डेस्कटॉप साइड कर लीजिए। तो जो है एक बार फिर डेटा प्रेजेंस का पेज पीछे हो गया है, तो यहाँ पे जो है देख लीजिए कैसे क्या मतलब इन सबों को मतलब होता है। अगर इस कलर का आता है आपका इंटरफेस तो इसका मतलब कि आप तक ने प्रश्न जो है नहीं किया, अगर इसका तो प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, आपने उत्तर दे दिया है तो रिव्यू करने के लिए जो है कर दिया टिक जो है। उसके बाद यहाँ से जो है नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जो है एक बार फिर से जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है आपका पेपर आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस रहेगा। और पेपर दे लीजिए बिल्कुल जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिलेंगे। जैसे मैंने एएलपी का पेपर दिया था तो बिल्कुल इस तरह मैंने मॉक टेस्ट दे लिया था, दो चार बार प्रैक्टिस कर ली थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मैं आपको पेपर देकर दिखाता हूँ। पूछा है कोलकाता राइडर्स जो है मालिक कौन है, तो यहाँ पे मुझे शाहरुख खान लग रहे हैं, तो यहाँ से मैंने टिक करके ऊपर से नेक्स्ट कर दिया। इसका मुझे उत्तर नहीं देना है तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम, दूसरा क्वेश्चन आ गया है, उसके बाद मुझे ये आंसर लग रहा है लेकिन हमको उत्तर नहीं देना है, इसको जो है मार्क पास रिव्यू कर देना है। यहाँ पे देखिए बैगनी कलर का होगा, इसका मतलब जब जितने मार्क ऑफ रिव्यू कर देंगे तो एक के बाद एक जो भी किए रहेंगे डायरेक्ट सीरियल वाइज आ जाएगा, आपकी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन की किसके लिए मार्क ऑफ रिव्यू किया है, तो ये ऑप्शन इसीलिए होता है। और दोस्तों और भी ऑप्शन आपको दिखा देते हैं रेलवे के जो है स्पेशल ट्रेन से रिलेटेड, आपको दिखा देते हैं कि जो बच्चे स्पेशल ट्रेन से जाना चाहते हैं तो रेलवे ने जो है स्पेशल ट्रेन चलाई है, तो आरआरबी पटना की ऑफिशियल साइट से आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना गोरखपुर बस्ती ये जो है सारी जो है यहाँ से आप स्पेशल ट्रेन को जो है रूट देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं जो है और जाना चाहते हैं। दोस्तों अगर इसी टाइप की आपको न्यूज मेरी अच्छी लगी दी हुई जानकारी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं रेलवे से जुड़ी हर अपडेट देता हूं, उसके बगल में सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी आएगी उसको दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।